तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, ये पानी की टंकी का हमने दो टंकी का एक साथ कनेक्शन किया है और एक ही मोटर से दोनों टंकी एक साथ भरेगी और खाली भी एक साथ होएगी। तो दोस्तों, हमने इस टंकी का कनेक्शन दो टंकी है एक ही छत के ऊपर, दोनों को कनेक्शन एक ही मोटर के साथ किया है। ये मैंने एक इंची पाइप इसके अंदर लगाया है और इस पाइप को उस टंकी के साथ में कंबाइंड किया है। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो। और इसका जो यहाँ से एक टी लगाकर पानी को नीचे चलाया है और एक भरने का पाइप सिर्फ ये एक है, एक पाइप से एक टंकी में ढका रखा है भरने का। मोटर से आउट लाइन आती है, वो टंकी एक भरी जाएगी, मोटर एक लाइन से भरी जाएगी। लेकिन जब ये टंकी भरेगी तो इसका लेवल वापस रिटर्न पानी आएगा और इस टंकी में भरा जाएगा गाइस। तो दोस्तों, एक टंकी में पानी कुंडा जाएगा पानी का, और ये नीचे वाले जो ये वाला पाइप है इससे इसके अंदर होकर ये देख सकते हो पानी की मोटर चली हुई उधर और वो पानी आ रहा है गाइस। पानी भरने का पाइप तो इस टंकी के अंदर लगा रखा है। ये देख सकते हो मोटर का प्रेशर है, ये चल रही है मोटर, इसी के अंदर पानी आ रहा है और इसी का पाइप का पानी वापस नीचे होकर, नीचे वाले पाइप के अंदर होकर उस टंकी के अंदर जा रहे हैं। लेवल जब तक मोटर चलती रहेगी लेवल ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो दोस्तों, एक ही टंकी से मतलब दो टंकी से एक ही मोटर को एक साथ भर सकते हैं और खाली भी एक साथ हो जाएगी गाइस। अलग अलग भरने की खाली करने की ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हो गाइस। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा हमारा ये काम, ये दोनों टंकी को एक साथ कमांड करके ऊपर छत पर रख दी है और ये पाइप लगा रखा है इसके अंदर और भरने का एक पाइप है, दोनों ही भर जाती हैं। और अब मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, ये लाइन नीचे आ रखी है कोने के अंदर, ये सिर्फ एक भरने की है और एक खाली करने की है। तो अभी फ़िलहाल इसी से हम टंकी भर रहे हैं ड्रम से, ये मोटर लगी हुई है और ऊपर पानी जा रहा है, ये फ्लेक्सिबल पाइप लगा हुआ है। और यहाँ पर हमने भरने का एक वाल लगा रखा है, यहाँ पर पाइप फंसाया, सीधा पानी ऊपर जाएगा इस पाइप से। ये वाल तो हमने इसलिए लगाया गए क्योंकि गाइस जो अंदर पानी का पाइप लगा हुआ है वो थोड़ा काफ़ी लंबा होने की वजह से, अगर वो बचा हुआ पानी वापस रिटर्न नहीं आता, इस वजह से हमने इसको वापस लगा दिया। कभी मोटर में पानी भरने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिस वाल का खोला और पानी की मोटर का पाइप बजा था। और ये देख सकते हैं प्रेशर, इतना हाई स्पीड प्रेशर है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।